दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जो तीसरा टेस्ट चल रहा है ना, उसका दूसरा दिन खत्म हो गया है। तो उसमें इंग्लैंड ना थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते 353 रन पे बनाए थे उन्होंने, फिर इंडिया की बैटिंग आई, इंडिया ने 219 पे, इंडिया ने अपने 7 विकेट गंवा दिए। अभी ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव खेल रहे हैं, तो यशस्वी जायसवाल ने फाइटिंग इस मैच में भी थोड़ा दिखाया और हर मैच की तरह इस बार भी उन्होंने रन बनाए और 73 रन की पारी खेली, जिसके बदौलत थोड़ी इंडिया संभल गई बीच में और पार्टनरशिप भी उन्होंने अच्छे अच्छे बनाए। लेकिन आज ना थोड़ा सरफराज खान का गेम, जो मेरे मानने में बताता हूँ ना, सरफराज खान का थोड़ा गेम थोड़ा डिफेंसिव मूड में रहा। जैसे कि वो मूड उनका रहता है ना अटैकिंग क्रिकेट, तो वही चीज़ें सही रहती है सरफराज, इसमें थोड़ा डिफेंसिंग में चले गए तो इसलिए उन्होंने विकेट गंवा दिया, क्योंकि वो रन देखने के लिए नहीं खेल रहे थे आज ना, डिफेंस कर रहे थे, मतलब बचने के लिए खेल रहे थे, तो उसकी वजह से ही ना उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। बाकी तो रजत पाटीदार ने एक अच्छा मौका फिर उनको मिला, फिर नहीं किया। शोएब बशीर ने 32 ओवर लगातार फेंके, अब मायने रख तो 32 ओवर लगातार फेंकने का कैसा होता है, लेकिन उन्होंने डाले तो ये भी एक रिकॉर्ड ही बन गया उनके नाम। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी ख़राब सी नज़र आ रही है, क्योंकि भारत का ना पास अब सिर्फ यही जोड़ी है जो थोड़ी बहुत कर सकते हैं, उसमें ध्रुव जुरेल की जो रहेगा ना इम्पोर्टेंस रहेगी बहुत, ध्रुव जुरेल जैसे खेलते हैं और 30 रन पे खेल रहे हैं, थोड़ी पारी की उम्मीद रहेगी, थोड़ा लंबा खेलें, क्योंकि 134 रन अभी भी भारत पीछे है। अगर इंग्लैंड कामयाब हो जाता है 134 रन या फिर 100 रन की भी लीड लेना, तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ऐसे पिच पे ना चौथी पारी में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाएगा और भारत की चौथी पारी आएगी, तो इसी वजह से भी पिच ना बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रही है, मतलब बॉल नीचे बैठ रही है यार, बॉल में कुछ अब रहा ही नहीं, कभी कोई बॉल ऊपर चली जाती, कोई बॉल नीचे, जिसमें यशस्वी जायसवाल आउट हुए वो नीचे बैठ गई, उनको दिखी नहीं बोल्ड हो गए, तो वही चीज़ है ना, ये पिच थोड़ी वैसी सी हो गई है। तो ये मैच में बहुत ज़्यादा फंस चुका है, क्योंकि कल का दिन और कल के दिन में भी पहला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें ध्रुव जुरेल की देखी जाएगी, ध्रुव जुरेल कैसे करते हैं, क्योंकि भारत का ना एक बार फिर मिडल ऑर्डर रजत पाटीदार के ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही, जो राहुल द्रविड़ बोल तो रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी हम नहीं फैसला ले सकते, बात तो ठीक है, लेकिन लाइन में प्लेयर और भी खिलाड़ी बहुत है जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। देवधर पाटीकल अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, स्क्वाड में है और अच्छे रन बना के आए हैं, उनको मौका दिया जा सकता है तीसरे नंबर पे। पांचवे टेस्ट में तो ऐसा होना लगभग तय ही माना जा रहा है, क्योंकि केएल राहुल मुझे नहीं लगता पांचवे टेस्ट में भी आएंगे, तो देवधर पाटीकल खेलते हुए आपको नजर आएंगे रजत पाटीदार की जगह, क्योंकि रजत पाटीदार में ना वो बात नहीं दिख रही, क्योंकि यार मौके कुछ ही मिलते हैं, उन मौक़ों पर ही चौके मारने चाहिए। यशस्वी जायसवाल ने 8-9 मैचों में इतने रन बना दिए, आपने तो 3 मैच खेल लिया, आपसे तो 30 रन या क्या मतलब 20 रन से ऊपर आपने रन नहीं मारा, तो इसलिए ना अब रजत पाटीदार की ना जगह मेरे को खतरे में नज़र आ रही है। तो भारत अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे चल रहा है इस मैच में, अगर भारत को जीतना है तो कम से कम अभी जो 3 विकेट बचे हुए हैं ना 60-70 रन तो बनाए, जिससे कि थोड़ी और भी ज़्यादा इंग्लैंड की लीड कम हो। तो ये चीज़ें अब भारत के दिमाग में चल रही होगी, कितनी जितनी जल्दी जितना देर हो सके ना वो रहना चाहते होंगे पिच पे, और ध्रुव जुरेल जितना देर तक खेले ना भारत के लिए वो सही रहेगा, एक तरह से कुलदीप यादव उनका साथ दे और ध्रुव जुरेल अच्छे से रन बनाए, जो अच्छे 60-70 रन तो बनाए, तो थोड़ा बहुत कल का पहला सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या होता है। इंग्लैंड अगर ज़रा सा भी आगे निकल गई ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी भारत के लिए चौथे इनिंग में बल्लेबाजी करना ऐसे पिच पे, जहाँ पे बॉल का पता नहीं चल रहा कुछ, कोई नीचे जा रही है कोई ऊपर चल रही है, और सरफराज खान का भी इस मैच में थोड़ा सही नहीं लगा, जैसे कि आए थे इंटेंट उनका वो नहीं लगा अटैकिंग, नर्वस नज़र आ रहे थे या फिर क्या नज़र आते, डिफेंसिव मूड में, इसलिए आउट हो गए। अपना नेचुरल गेम खेलते ना तो आउट नहीं होते और रन भी निकलते, जिससे कि बॉलर पर प्रेशर होता। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को और कितने रनों की जरूरत है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।